Hi, good evening. I am Dr. Prerna Bhandari Mathur. I am here to give you some information about root canal treatment. RCT, जिसको कॉमन शब्दों में कहा जाता है, एक बहुत प्रोसीजर है जिसके पेशेंट्स हमारे पास आते हैं. और RCT टर्म से बहुत खौफ है पेशेंट्स में. आकर सब बहुत डरते हैं कि बहुत दर्द होगा. आज हम डिस्कस करेंगे RCT प्रोसीजर क्या है और आधुनिक तरीके से इसको हम सिंगल सिटिंग में भी कर सकते हैं. सिर्फ एक सिटिंग में RCT कंप्लीट कर सकते हैं. सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारे दांत हैं उनमें तीन लेयर्स होती हैं, इनेमल, डेंटिन और पल्प. जो सबसे हार्डेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर होती है उसको इनेमल कहते हैं, जो सबसे सुपरफिशियल होती है. उसके नीचे स्लाइटली सॉफ्टर लेयर होती है जिसको हम डेंटिन बोलते हैं. और सबसे नीचे पल्प होता है जिसमें सारे दांत के नर्व्स, ब्लड वेसल्स, सॉफ्ट टिश्यू होता है. जब दांतों में कीड़ा लगना स्टार्ट होता है, बेसिकली डेंटल केरीज, जो दांतों में कीड़ा लगता है, एक ऐसा डेंटल डिजीज़ है जो हर उम्र को इफ़ेक्ट करता है, चाहे वो बच्चे हों, इन्फेंट्स हों, एडल्ट्स हों या इवन ओल्ड एज पीपल हों. जब ये कीड़ा स्टार्ट होता है, ये इनेमल में लगना शुरू होता है. धीरे धीरे अगर उसका इलाज ना कराया जाए, वो डेंटिन में और फाइनली पल्प तक पहुँच जाता है. जब कीड़ा दांत की नसों को इन्वॉल्व कर लेता है तो पेशेंट को प्रॉब्लम्स होती हैं, सेंसिटिविटी होती है, पेन होती है, स्वेलिंग होती है. डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स के साथ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं. जब इस सिचुएशन में पेशेंट आता है, उसका जो इलाज होता है वो सिर्फ दो तरीके से किया जा सकता है. या दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी कि दांत की नस का इलाज हो, या फिर दांत को निकाला जाए. आज की डेट में इन द प्रेजेंट सिनेरियो नोबडी वांट्स टू एक्सट्रैक्ट अ टूथ. कोई पेशेंट, चाहे वो बूढ़ा भी हो, नहीं चाहता कि दांत को निकाला जाए. दांत को बचाने के बहुत सारे तरीके आ गए हैं. हर पेशेंट यही चाहता है, क्योंकि दांत है तो आंत है. आपके जो दांत ओरिजिनल प्रिजर्व होंगे वैसा कुछ भी नहीं होता. रूट कैनाल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, जो कीड़ा लगा हुआ है दांत को उसको पूरा अच्छे से साफ करते हैं. स्पेशलाइज्ड मशीन द्वारा हम दांत की नस तक उसको प्रॉपर्ली क्लीन करते हैं. जब वो क्लीन हो जाता है, पूरा डिसइंफेक्ट हो जाता है, सॉर्ट ऑफ स्टरलाइज हो जाता है, उसमें हम एक इनर्ट फिलिंग मटेरियल भर देते हैं जो पूरे दांत की नसों के अंदर तक जाता है. दांत की जड़ों में उस फिलिंग को हम भरते हैं. पहले अक्सर देखा जाता था कि इस पूरे प्रोसीजर में 4-5 सिटिंग्स लगती थी. 2-3 सिटिंग्स में हमें इंजेक्शन भी देना पड़ता था. बट अब सिंगल सिटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट इज़ वेरी पॉपुलर. इस पर्टिकुलर प्रोसीजर में ये सारा काम स्पेशलाइज्ड मशीनरी द्वारा, रोटरी इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा एक ही सिटिंग में हो सकता है. RCT सिंगल सिटिंग में कंप्लीट करी जा सकती है. जो पेशेंट आता है उसमें हम इंजेक्शन लगाते हैं, एंडोडोंटिक मोटर्स होती हैं, रोटरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उससे पूरे दांत की डिसइंफेक्शन हो जाती है. एपेक्स लोकेटर्स, ये स्पेशलाइज्ड मशीनरी होती है जिससे हम दांत की रूट की लेंथ नाप सकते हैं. पहले इसके लिए बार बार एक्सरेज लेने पड़ते थे, अब वो पेशेंट को एक्सपोजर करवाने की ज़रूरत नहीं है. मशीन द्वारा उस लेंथ को नाप के, डिसइंफेक्ट करके और उसमें हम फाइनल फिलिंग कर देते हैं. सिंगल सिटिंग रूट कैनाल के बाद में अक्सर, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, हमें दांतों पर कैप लगानी होती है. कैप क्यों लगाई जाती है? रीज़न 1, ऑलरेडी कीड़ा लगने के कारण दांत कमज़ोर है. रीज़न 2, जो सारा हमने कीड़ा रिमूव किया है, दांतों की जड़ों में एक एक्सेस बनाया है, तो दांत का टूथ स्ट्रक्चर बहुत कम बचा है. इट्स ओनली 20-30% यूजुअली द टूथ स्ट्रक्चर विच इज़ लेफ्ट. उसको हम एक फिलिंग मटेरियल से, एक रेस्टोरेशन से बिल्ड करते हैं. और उसके बाद ये एक डेंटिस्ट का प्रूडेंट डिसीजन होता है कि उसके ऊपर हमें कैप लगानी है या नहीं लगानी. मोस्ट ऑफ द केसेस में कैप लगानी पड़ती है
और उसके बाद पेशेंट अच्छे से अपना नॉर्मल रूटीन जो भी खाना चाहे वो खा सकता है, चबा सकता है। इस प्रोसीजर में दर्द बिल्कुल नहीं होता है। इट इज़ अ पेनलेस प्रोसीजर अंडर द इफेक्ट ऑफ एनेस्थीजिया। इंजेक्शन, लोकल इंजेक्शन देते हैं, लोकल एनेस्थीजिया देते हैं, उसके बाद पेशेंट को पेन नहीं होती है। सो आई वुड लाइक टू से एंड कंक्लूड दैट द कैरी होम मैसेज ऑफ दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज दैट मोस्ट ऑफ द टीथ विच आर अदरवाइज ड्यू फॉर एक्सट्रैक्शन, जिन दांतों का पहले सिर्फ एक ही इलाज होता था जो कि है दांत निकालना, उन्हें आरसीटी द्वारा बचाया जा सकता है और ये आरसीटी सिंगल सिटिंग में कंप्लीट की जा सकती है। मात्र 45 मिनट्स टू एक घंटे के टाइम पीरियड में आरसीटी कंप्लीट होती है, दांत का नाप ले लेते हैं और उसके बाद कैपिंग कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी ईजी, एवरीबडी शुड बी अवेयर अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसको हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, दांत को सेव कर सकते हैं, दांत को उखड़ने से, निकलवाने से बचाया जा सकता है। थैंक यू सो मच।